वीडियोस नहीं आ रही थी। अब वीडियोस नहीं आने का कारण कि जो ब्लू स्काई की बात करें, हे गाइस, दिस इज गौतम सिंह, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल गुड एंड सेफ ब्रो। सो गाइस, काफ़ी दिनों के बाद वीडियोस बना रहा हूँ, आई नो, एंड एक नए वीडियोस एंड एक नई दिन के साथ शुरुआत करते हैं आज। और अभी बज रहे सुबह के 5:30 एंड अभी मैं आया हूँ मेरे घर के पास ही में, अप्रोक्स 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे है ये। एंड अभी आपको ले चलते हैं टॉप पे, इस पहाड़ के टॉप पे, एंड वहाँ से आपको सनराइज़ का व्यू दिखाते हैं। सो गाइस, यहाँ पे मैं आया था उस वक्त लॉक किया हुआ था पूरा, जो एंट्रेंस गेट आपको दिख रही है यह पूरा लॉक है, बट फिर भी मैं किसी तरह अंदर आया हूँ। एंड वहाँ पे मैंने अपनी बाइक पार्क कर दी है, एज यू कैन सी। सो अभी चलते हैं ऊपर की ओर एंड आपको वहाँ से व्यू दिखाते हैं कैसा दिखता है। सो गाइस, ये पार्क का नाम है नीलगिरी इको पार्क, और ये एक्चुअली प्रॉपर अभी बना नहीं है, अभी बहुत बनने को बाकी है कुछ कुछ। सो अभी चलते हैं ऊपर की ओर एंड वहाँ से आपको व्यू का एक्सपीरियंस देते हैं। ओके, सो लेट्स गो ब्रो, लेट्स गो। यहाँ से स्टेप ख़त्म होती है एंड यहाँ से मैं ट्रेकिंग स्टार्ट होगी। सो अभी मैं अकेली हूँ एंड साथ में वाटर बॉटल मैंने ORS मिला दिया है, जस्ट बिकॉज डिहाइड्रेशन हो सकती है, अभी से मेरी सांस फूल रही है। सो ये काफ़ी ज़रूरी था एंड काफ़ी मज़ा आने वाला है। ऐसे मैं अकेले हूँ बट ब्रो, अकेले में भी आप इंजॉय कर सकते हो, यू नो। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। सो अभी ऊपर से आपको व्यू दिखाते हैं, ऐसा है रास्ता जहाँ से मैं जा रहा हूँ ट्रैकिंग करके। सो जिधर से चलेंगे उधर ऑटोमेटिकली रास्ता बनेगा, यू नो। हो सेट मैन, ऑल राइट मैन। रास्ता काफ़ी सांस फूल रही है मेरी, बहुत दिनों से एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ बंद था मेरा, और सडनली प्लानिंग एंड मूड बना तो मैं निकल पड़ा। और काफ़ी दिनों से मैं ये सोच रहा था कि वीडियोस बनाओ बट नहीं बना पा रहा था, इसके पीछे भी कुछ रीजंस हैं। ओके, सो बैठ के बातें करते हैं, काफ़ी सांस फूले जा रही है। We'll be right back.
ऑलराइट गाइस, सो मैं आपको बताना भूल ही गया था, यहाँ पे मंदिर भी है बाबा भोलेनाथ का, सो वो भी आपको दर्शन करवाता हूँ। ओके सो चलो कहीं पे बैठते हैं और दो चार बातें करते हैं। ऑलराइट गाइस, सो मैं टॉप पे पहुँच चुका हूँ और अभी टाइम हो रहा है 5:40 एंड ऊपर आके काफ़ी मज़ा आ रहा है डूड, काफ़ी मस्त हवा चल रही है एंड वेट, अभी आपको सनराइज दिखाता हूँ। सो हो दिस इज द ब्यूटी ऑफ रांची झारखंड, सो एज यू कैन सी मैन, एज यू कैन सी, थोड़ा बैग जाता हूँ तो टेम्पल का भी थोड़ा सीन आ जाए तो काफ़ी मज़ेदार देखने को मिलेगा आपको। यस यस यस, आपने टाइम लेस का तो एंजॉय ले लिया, सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा एंड यहाँ की जो मंदिर है उसकी बातें करते हैं। सो यहाँ चार, ऊपर में एक दो काउंट कर रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, 5 पीछे एक मंदिर है, 5 एंड और एक मंदिर है नीचे। सो यहाँ टोटल मंदिर 5 हैं एंड ये भोलेनाथ का मंदिर है सब, और माता पार्वती जी का मंदिर है। सो गाइज, आई होप आपको ये व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा होगा एंड ये जगह का नाम है चांगड़ू, जो कि मेरे गांव के पास ही में है और काफ़ी प्यारा व्यू देखने को मिल रहा है यहाँ से। मैं यहाँ पहले भी आया हूँ बहुत बार, और हाँ गाइस मैं बता दूँ कि यहाँ मकर संक्रांति में मेला भी लगता है और उस वक्त काफ़ी ज़्यादा क्राउड देखने को मिलता है। Closing in, I was alone and so afraid. Couldn't see the light. No. Then my world began to spin. Where's the beginning? Where's my omega? Had to make it right. Oh yeah. There's a moment when you know that every teardrop has to go. They've been piling up inside. एंड यहाँ की जो ब्लू स्काई की बात करें, दिस इज नॉट एडिटेड ब्रो, दिस इज नॉट एडिटेड, नो सैचुरेशन, नो एक्स्ट्रा कॉन्ट्रास्ट, दिस इज ऑल नेचुरल। काफ़ी प्यारा, काफ़ी सेक्सी व्यू लग रहा है मेरे को तो, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ के। और ऐसा नहीं कि मैं अकेले आके यहाँ बोर सा हो रहा हूँ, काफ़ी इन्जॉय कर रहा हूँ इस व्यू को एंड आई होप आपको भी अच्छा लग रहा होगा, यू नो। सो कमेंट करके बताओ ये व्यू, ये लोकेशन कैसा लगा आप लोगों को एंड इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो डूड। और वीडियोस नहीं आ रही थी, अब वीडियोस नहीं आने का कारण तो मैं इस वीडियो पर नहीं बता पाऊँगा कि क्यों नहीं आ रही थी, बट टाइम आने पे ज़रूर बताऊंगा ब्रो।
एंड मैं बता दूं कि यहाँ के लोकेशन काफ़ी प्यारा, मतलब देख सकते हो आप लोग, सामने में नदी है, सामने में पहाड़ है, और इस पहाड़ के वादियों में मेरा घर पास ही में, ज़्यादा दूर नहीं है। काफ़ी काफ़ी ब्यूटीफुल, काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। आप लोग बोल रहे होगे कि पागल हो गया है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, सुंदर, सेक्सी, ये सब बोल बोल के। जस्ट बिकॉज मैं इसलिए बोल रहा डूड, क्योंकि सच में ऐसा लग रहा है यहाँ के एक अलग से एक्साइटमेंट है मुझे, मुझ पे। इधर है एक खाई, बहुत डेंजर सा, सो दिस इज दिस वन, सीधे मौत हो जाएगी यहाँ से गिरने से, बट संभल के जाना पड़ेगा डूड, यू नो, सो दिस वन मैन। बड़ा सा पत्थर है यहाँ पे, यहाँ पे चढ़ जाता हूँ मैं, चढ़ जाता हूँ मैं। ऐसे ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लोकेशन आपको घुमाता रहूँगा। एंड या इग्नोर माय हेयर गाइस, जस्ट बिकॉज मैं नहाया नहीं हूँ एंड या सेट भी नहीं किया हूँ, सो दैट्स व्हाई बिखरा बिखरा सा लग रहा है, सो इग्नोर माय हेयर। ऑल राइट गाइस, सो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। एंड या एंड स्प्रेड लव एंड स्प्रेड ह्यूमिनिटी, मैं हमेशा बोलता हूँ एंड बोलता रहूँगा, सो या एंड दो हैशटैग चलाते हैं, एंड वो हैशटैग डालना ब्रोज आर्मी एंड ब्रोज गैंग, सो या हैशटैग डालना, या हैशटैग डालने मत भूलना, प्लीज, बाय।